नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कंप्यूटर हिंदी नोट्स डॉट कॉम से और आज इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं कि ASP.NET में पोस्टबैक क्या होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इस वीडियो में स्टेट मैनेजमेंट के बारे में बताने वाला था, बट फिलहाल हम उसको अभी पॉज कर रहे हैं अगले वीडियो के लिए और इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्टबैक या हमारा जो वेब पेज है उसका राउंड ट्रिप क्या कहलाता है। दोस्तों आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप किसी वेब पेज को सबमिट करते हो, वो पेज सबमिट होने के बाद सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट होता है और उसका जो HTML वर्जन है वो आपको क्लाइंट साइड पे दिखता है, आपके वेब ब्राउजर पे दिखता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग पोस्टबैक बोल सकते हैं। मतलब आप अपने जो डेटा आपने भरा है फॉर्म में, वेब फॉर्म में, वो आप पोस्ट कर रहे हो सर्वर पे और वहां पे वो प्रोसेस हो गया। अब राउंड ट्रिप का क्या मतलब होता है? राउंड ट्रिप का ये मतलब होता है, आपने देखा होगा कि जब आप सिंगल पेज में आपने एप्लीकेशन बनाया है उसको आप सबमिट करते हो तो वही से पेज दोबारा खुल जाता है, तो ये कहलाता है आपका राउंड ट्रिप। ठीक है, तो अब इस राउंड ट्रिप में और पोस्ट बैक में बहुत सारे इवेंट्स हैं जो वो बैकग्राउंड में चलते हैं। जनरली हमने अभी तक जितने भी वेब पेज बनाए हैं उनमें हमने मोस्टली हमने एक बटन बनाया और उस पर हमने सबमिट करने पर कोडिंग की है। और दोस्तों उसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। आप पेज लोड पे, मतलब जैसे हम चाहते हैं कि हमारा वेब पेज लोड हो उस वक्त हमें कुछ परफॉर्म करना है तो आप पेज लोड इवेंट पे भी काम कर सकते हैं, ऐसी पेज अनलोड पे भी हम काम कर सकते हैं, ऐसे तमाम कई सारे इवेंट्स होते हैं। अब पोस्टबैक में क्या होता है या हम पोस्टबैक क्यों पढ़ रहे हैं अभी, वो इसलिए ये जानने के लिए कि जो पेज की लाइफ साइकिल है वो कैसे होती है। जब भी आप पेज सबमिट करते हो, सबमिट होने के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वही पेज दोबारा से दिखता है। तो मान लीजिए अगर आपने कोई कोड ऐसा लिखा है जो पेज लोड होने पे हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? जब भी आप पेज सबमिट करोगे वो दोबारा से वही पेज लोड हो जाएगा और वही सारे इवेंट फिर से चल जाएंगे। तो ऐसे में आप कैसे इसको बचा सकते हो वो हम जानना चाहेंगे। तो दोस्तों ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं थ्योरेटिकली, अब मैं वो आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा जिसमें आपको डिटेल में समझ में आ सके कि पोस्टबैक क्या होता है और ये कैसे हम अपने वेब ऐप में यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज हम ASP.NET का विजुअल स्टूडियो 2019 कम्युनिटी एडिशन वर्जन यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आप कोई सा भी वर्जन यूज करें, क्योंकि हम बेसिक ही सीख रहे हैं तो आप किसी भी वर्जन में ये कोडिंग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है कि विजुअल स्टूडियो 2019 में किस तरीके से वेब ऐप बनाते हैं तो मैं वीडियो में उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जहां से आप देख सकते हैं। मैं इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो यहां पर हमने ऑलरेडी फॉर्म खोल के रखा हुआ है, एक फॉर्म बनाया है। अब उस फॉर्म पे हम यहां पे कोड करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि जैसे ही हमारा पेज लोड हो तो लेबल वन पे जो हमने बना के रखा है उसके टेक्स्ट में लिखा आना चाहिए वेलकम टू माय पेज। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे एक्सक्यूट करके देखेंगे। तो सिंपल, जैसे ही हमारा पेज लोड होगा तो पेज लोड पे ये इवेंट कॉल होगा और उसके अंदर जो हमें लिखा है लेबल वन डॉट टेक्स्ट वो हमारा कॉल हो जाएगा और दिखने लगेगा। तो देखेंगे आप यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू माय पेज। अब हम सबमिट भी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबमिट करने के बाद पेज दोबारा से लोड होता है और वहां पर वेलकम टू माय पेज लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पे हम कुछ चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि जब सबमिट पे हम क्लिक करें तो क्या आना चाहिए, वेलकम अगेन आना चाहिए। तो ASP.NET में हमारे पास होता है एक इज पोस्ट बैक, इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो पेज है वो फ्रेश लोड हो रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है कि सबमिट करने पर लोड हो रहा है। तो डिफरेंस पता करने के लिए हम इज पोस्ट बैक का यूज करते हैं। तो अगर पोस्ट बैक है तो हमें क्या दिखाना है, वेलकम अगेन दिखाना है, और अगर पोस्ट बैक नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यहां पे लेबल वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू वेलकम टू माय पेज। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि अगर हमने पेज लोड करना है फर्स्ट टाइम तो वेलकम टू माय पेज लिखाएगा, और अगर पोस्टबैक हुआ है क्या लिखाएगा, वेलकम अगेन। इसको हम दोबारा से एक्सक्यूट करते हैं वेब पेज को। देखिए अब हमारा जो पेज है वो लोड हो रहा है और सबसे पहले जो लिखा आएगा वो आएगा वेलकम टू माय पेज, क्योंकि फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है हमारा वेब पेज। देखिए वेलकम टू माय पेज लिखा गया। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्या रहा है, वेलकम अगेन, क्योंकि ये वो क्या हुआ, पोस्टबैक के बाद आया है पेज, मतलब पोस्टबैक के द्वारा पेज लोड हुआ है, तो इसलिए ये वाला पार्ट वहां पे चलेगा।
अब जितनी बार भी आप सबमिट करोगे वहां पे वेलकम अगेन ही दिखाई देगा, क्योंकि पोस्ट बैक हो रहा है, ये बार बार वही पेज ओपन हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से जो पोस्ट बैक है हम उसको यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि पोस्ट बैक को ASP.NET में कैसे यूज करते हैं और इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।